नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आईएसआईएस के खिलाफ हमले तेज करेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोन ने कहा कि फ्रांस सीरिया में आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई तेज करेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने बीते शुक्रवार को पेरिस में हुए हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताया और कहा कि वो आईएसआईएस के खिलाफ अपनी जंग को अंजाम तक पहुंचाएगा। ओलोन ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। उन्होंने आईएस जिहादियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाने की मांग की। इसी बीच आईएस की ओर से अमेरिका पर हमले की धमकी के बाद न्यूयॉर्क में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के एसीपी ने गोली मारकर की आत्महत्या, पत्नी भी छठी मंजिल से कूदी। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसीपी का नाम अमित कुमार है। एसीपी ने नोएडा सेक्टर 100 स्थित अपने घर में खुद को गोली मार ली। वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात थे। एसीपी की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी ने छठी मंजिल से कूदकर जान देने की भी कोशिश की। वे बुरी तरह घायल हैं। उन्हें पास ही स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। महतो परिवार से मैच नहीं हुआ गीता का डीएनए। पाकिस्तान से 14 साल बाद भारत लौटी गीता का डीएनए बिहार के सहरसा निवासी जनार्दन महतो परिवार के सदस्यों से मैच नहीं हो पाया है। मूकबधिर गीता ने पाकिस्तान से आने के बाद महतो परिवार को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। भारत आने के बाद गीता को इंदौर स्थित मूकबधिर संगठन के गुमाश्ता नगर स्थित आवासीय परिसर में रहने के लिए भेज दिया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि यदि गीता का डीएनए मैच हो जाएगा तो उसे महतो परिवार को सौंप दिया जाएगा, लेकिन अब जबकि डीएनए टेस्ट फेल हो गया है, लिहाजा गीता के परिवार की नए सिरे से खोज की जाएगी।